एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बनाने जा रही हूँ बियेबारी स्टाइल कश्मीरी दम आलू, एक ऑथेंटिक और बहुत ही टेस्टी पसंद किए जाने वाली वेज रेसिपी है। स्टेप बाय स्टेप अच्छे से आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। पूरा रेसिपी को अच्छे से एंजॉय कीजिए एंड तक मेरे साथ। देखने में जितना यमी और टेस्टी लग रहा है, खाने में उतना ही टेस्टी होता है ये डिश। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने ले लिया है बेबी पोटैटो, जिसे कहते हैं, छोटा साइज़ का आलू। कट करके हमें बॉईल कर लेना है, पूरा बॉईल नहीं करना है, सेमी बॉईल कर लेना है। फिर गैस ऑन करके एक पैन दे देंगे और उसमें दे देंगे वाइट ऑयल। आप चाहो तो घी में भी ये रेसिपी बना सकते हो। दे देंगे एक चुटकी नमक और एक चुटकी हल्दी पाउडर। अलग से आलू में नमक और हल्दी पाउडर मिलाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ऑयल में दे दीजिए। और फ्राई करने के टाइम अच्छे से नमक और हल्दी पाउडर हर एक आलू में लग जाएगा। अब अच्छे से हमें फ्राई कर लेना है। फ्राई के लिए भी एक ही टिप्स है, पूरा फ्राई नहीं करना है, सेमी फ्राई करना है। बोथ साइड से थोड़ा पलट पलट के हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट और प्रोसेसिंग और क्वांटिटी लिख दूंगी आप लोगों के लिए इंग्लिश में, उधर से जाके सर्च कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मेरी फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब चैनल की लिंक भी शेयर कर दूंगी। आप लोग चाहो तो सोशल मीडिया साइट पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हो और मेरी यूट्यूब चैनल की लिंक किसी के साथ भी शेयर कर सकते हो। अभी जो ऑयल बच गया है उसमें हम एक एक करके गरम मसाला ऐड करेंगे, जिसके लिए हमने ले लिया है एक सूखा मिर्ची, एक तेजपत्ता, एक इलायची, दालचीनी। थोड़ा सा फ्राई कर लेने के बाद गरम मसाले को हम शिफ्ट कर लेंगे एक बोल में और उसका एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। अभी हम ऐड कर रहे हैं एक बड़ी चम्मच अदरक का पेस्ट, दे देंगे थोड़ा पानी और अच्छे से भून लेंगे। क्योंकि मैं वेज रेसिपी बना रही हूँ, निरामिष बना रही हूँ, इसीलिए इसमें लहसुन और प्याज की पेस्ट नहीं मैं ऐड कर रही हूँ। इधर मैंने दे दिया है दो बड़ी चम्मच खसखस का पेस्ट, यानी कि पॉपी सीड्स पेस्ट, और तीन से चार बड़ी चम्मच काजू और किशमिश का पेस्ट। थोड़ा सा भून लेने के बाद मसाले में मैं ऐड करूंगी सॉल्ट, नमक स्वादानुसार, जीरा पाउडर एक छोटी चम्मच, मिर्ची पाउडर एक छोटी चम्मच और शक्कर एक चुटकी। ज़्यादा शक्कर देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पोस्तो, पॉपी सीड्स या फिर काजू का पेस्ट, किशमिश का पेस्ट, वो भी मीठा होता है। थोड़ा सा भून लेने के बाद हम ऐड कर देंगे फ्राई किया हुआ आलू और अच्छे से मसाले के साथ 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। जब अच्छे से भूनना हो जाएगा, इसमें हम ऐड करेंगे पानी, जो कि है ग्रेवी के लिए। रेसिपी अगर पसंद आ रहा है, घर में बनाने की कुछ नहीं है आलू के सिवा, बना लीजिए घर में। बहुत ही एक टेस्टी रेसिपी है, आप रोटी, पराठा या नान के साथ एंजॉय कर सकते हो। मैं आज सर्व करने जा रही हूँ मसाला बटर नान के साथ, और मसाला बटर नान की रेसिपी आपको मेरी चैनल की करंट प्रीवियस वीडियोस में मिल जाएगा। आप उधर से जाके उस रेसिपी को भी फॉलो कर सकते हो। एकदम एंड में हम ऐड करेंगे पेस्ट किया हुआ गरम मसाला, जो कि हमने फ्राई करने के बाद उठा लिया था। अब अच्छे से मिला लेंगे, तब तक कुक कर लेंगे जब तक कि ना एक थिक ग्रेवी आ जाए। बहुत ग्रेवी इस रेसिपी के लिए नहीं चाहिए, फिर भी अगर आपको पसंद है तो आप थोड़ा ग्रेवी रख सकते हो।
अभी तक अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार विजिट कर रहे हो मेरे चैनल पे, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके साथ लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा प्लीज़। देखिए बटर नन के साथ एंजॉय करने जा रही हूँ टेस्टी यम्मी डिलीशियस कश्मीरी आलू दम। बटर नान की रेसिपी भी आप चेक कर सकते हो। तो आज का मेरा रेसिपी यही तक था, कल फिर से मुलाकात होगी। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।